स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर मधेपुरा से जहां बीती देर रात अज्ञात अपराधियों ने उदाकिशुनगंज अनुमंडल के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पंचायत के भाजपा नेता सब पैक्स अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां दागकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के घंटों बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली है। जानकारी हो यह घटना उस वक्त घटी जब भाजपा नेता ग्वालपाड़ा प्रखंड मुख्यालय से अपने कार पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन घर से करीब 1 किलोमीटर पहले रास्ते में सुनसान जगह पर पुरुष से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनकर जब तक स्थानीय लोग वहां पहुंचते तब तक अपराधी भाग निकले थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया। एक तरफ जहां घटना की खबर सुनते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं इस घटना से गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने मधेपुरा उदाकिशुनगंज सड़क को घंटों जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पहुंचे उदाकिशुनगंज SDO राजीव रंजन सिन्हा, SDPO सतीश कुमार, ग्वालपाड़ा थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया, जिसके बाद NH पर यातायात बहाल हुआ। इस बाबत मधेपुरा SP राजेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालपाड़ा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया। घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने मौके से 3 खोखा बरामद किया है। वहीं 2 लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। FSL टीम द्वारा घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। मधेपुरा SP राजेश कुमार खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि घटना के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों के बेसुध होने की वजह से पुलिस को अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मामला ये है, इनको तो सामाजिक स्तर पर किसी से तुतु में कोई बात नहीं था। यह मामला एक राजनीतिक हत्या है। जब विकेट गिरेगा नहीं तो दूसरा बल्लेबाज आएगा कैसे? लगता है जांच DSP साहब, SDO साहब, थाना प्रभारी लोग सभी लोग बोले हैं कि हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान भी इस मामला का करेंगे और सही से जांच होगा तो अपराधी जरूर पकड़ाएगा। और हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से ईमानदारी से जांच होगा, तब तो फिर एक निर्दोष आदमी धरती पर से चला जाएगा तो समाज सेवा के लिए हो सकता है आदमी कल खोजने से भी नहीं। जी, हम लोग को तो पता चला लगभग 7:45 के लगभग में कोई वहीं स्थानीय फोन किए तो बाजार गए हुए थे अपने ये मार्केटिंग में सौदाबारी के लिए। उधर से लौटने क्रम में टिकट टोला और शाहपुर के बीच में उनकी गाड़ी लगी हुई थी जो कि स्टार्ट अवस्था में न्यूट्रल अवस्था में थी, लाइट जल रहा था। तो जो लोग देखा वो समझ में था कि ये विपिन कुमार सिंह जी हैं जो कि गांव में नेताजी के नाम से प्रचलित हैं। तो हम लोग आए दौड़ के वहां से, प्रथम हम ही वहां पहुंचे थे तो देखे कि नेताजी हैं। तब सबको तब तक हम सबको मुखिया जी को सबको खबर कर चुके थे तो हमारे पीछे भी मुखिया जी भी पहुंचे, तब प्रशासन को फोन किए। अपराधियों की संख्या कितने थी वहां? जो लोग बोल रहा था आसपास में पता चला कि 6-3 मोटरसाइकिल से सवार 6 की संख्या में थे। गाड़ी रुकवा करके शायद उसको माथे में और गले में और छाती में भी गोली लगा है और कई खोखा भी बरामद हुआ है वहां से जो कि थाना प्रभारी की बरामद किए हैं। पैक्स अध्यक्ष हैं विपिन कुमार सिंह जी, शाहपुर पंचायत के। रात्रि में वो ग्वालपाड़ा बाजार से शाहपुर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक सुनसान जगह था, वहीं पे कुछ लोगों ने उनकी कार को होल्डअप करके और फिर गोली मार करके मार दी, जिससे उनकी मृत्यु वहीं पे घटनास्थल पर हो गई। एक कार में बैठे हुए थे, सूचना पे पुलिस गई, जाकर के पूरा घटनास्थल का मुआयना किया, वहाँ से 3 खोखा भी बरामद हुआ है। और रात्रि में हम लोगों ने जो भी संदिग्ध इस घटना में अभी तक नजर आए हैं 2 लोगों को हम लोगों ने उठाया भी है। FSL टीम को भी हमने बुलाया है, वो आकर के घटनास्थल की जांच करेगी। हमारी पुलिस तमाम बिंदुओं पे अनुसंधान कर रही है और बहुत जल्द ही हम लोग इस घटना में शामिल
अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। कारण क्या लग रहा है सर? कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है पूरी तरह से। कुछ स्थानीय रंजिश की बातें सामने अभी तक आ रही है, लेकिन जब तक हम लोग पूरी तरह से इसमें गिरफ्तारी अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक पूरी तरह से कारण की पुष्टि कर पाना अभी संभव नहीं। इस मामले में कितनी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है सर? अभी तक हम लोगों ने दो को उठाया है और अभी औपचारिक रूप से उन लोगों की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है। उसके बावजूद पुलिस अपना काम अपने इंटेलिजेंस के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर कर रही है।